अगली खबर भोपाल से, जहां पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से मिलने पहुंचे गोविंद सिंह और पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह मुलाकात करने पहुंचे। आपको बता दें बंद कमरे में दोनों नेताओं के बीच में हो रही है चर्चा। तो बड़ी खबर आपको बता दें बंद कमरे में दोनों नेताओं के बीच में चर्चा हो रही है। गृह मंत्री पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से मिलने पहुंचे हैं गोविंद सिंह, पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह से मुलाकात करने पहुंचे हैं पूर्व गृह मंत्री। तो क्या कुछ मायने हैं इस मुलाकात के, तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन बंद कमरे में दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हो रही है। बंद कमरे में दोनों नेताओं के बीच में चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है। तो पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से मिलने पहुंचे हैं, आपको बता दें कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह। इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता सनी मालवीय। सनी, पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मिलने पहुंचे हैं गोविंद सिंह से, क्या कुछ मायने इस मुलाकात के, जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है कि बंद कमरे में दोनों नेताओं के बीच में चर्चा हो रही है, क्या चर्चा हो सकती है? जी निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। इसी बीच अब डॉक्टर जो है पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से पूर्व नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के दिग्गज नेता डॉक्टर गोविंद सिंह ने मुलाकात की है और दोनों ही नेताओं की करीब एक घंटे बंद कमरे में मुलाकात हुई है। इसके साथ ही लगातार जो सवाल खड़े हो रहे हैं, लगातार जो मायने निकाले जा रहे हैं कि लगातार कांग्रेस के दिग्गज नेता है लगातार जो है कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा जो नेता हैं लगातार जो नरोत्तम मिश्रा हैं ज्वाइनिंग टोली के प्रमुख हैं और ऐसे में जो उनका मिलना कहीं ना कहीं एक संशय और एक सवाल पैदा करता है। अब देखना होगा कि जिस तरह से आज जो गोविंद सिंह ने नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की है, अब कहीं ना कहीं एक बड़ा ज्वाइनिंग टोली के प्रमुख नेता है लगातार जिसकी भी ज्वाइनिंग करा रहे हैं नरोत्तम मिश्रा ही करा रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता बात की जाए सुरेश पचौरी, ऐसे जो तमाम जो दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के लगातार जो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, ऐसे में अब जो गोविंद सिंह का मिलना कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़े करता है। जी कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है, जिस तरीके से कांग्रेस के दिग्गज नेता लगातार पार्टी को मध्य प्रदेश में झटके पर झटके दे रहे हैं, इस मुलाकात के क्या कुछ मायने निकाले जा सकते हैं? जी जी निश्चित तौर पे लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार कांग्रेस को झटके मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच डॉक्टर जो है गोविंद सिंह का मिलना कहीं ना कहीं एक लंबी मुलाकात इनकी हुई है, बंद कमरे में हुई है। जिस तरह से मुरैना सीट की बात किया है तो मुरैना सीट को लेकर अभी कहीं ना कहीं जो है चुनाव लड़ने की जो मंशा है उन्होंने कांग्रेस से जताई थी, लेकिन अभी जो मुलाकात के बाद मीडिया से उन्होंने चर्चा की, उन्होंने चुनाव लड़ने से लगातार मना कर दिया कि मैं कांग्रेस से मुरैना से चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब कहीं ना कहीं अब मुलाकात के बाद अब देखना होगा कि अब इस बीच क्या तस्वीर और निकल के आती है। जी सनी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।